कठुआ और उन्नाव रेप केस को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। मनमोहन ने कहा है कि पीएम मोदी ने कभी जो सलाह मुझे दी थी, अब उस पर खुद अमल करें और ऐसे मौकों पर कुछ बोलें तो बेहतर होगा। भारत और स्वीडन ने द्विपक्षीय सम्मेलन के बाद संयुक्त कार्रवाई योजना नवाचार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। मोदी ने कहा कि स्वीडन शुरुआत से ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम में मजबूत योगदान करता रहा है। स्वीडन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कॉमनवेल्थ देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। यहां कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर लिंगायत समुदाय के संत बसवेश्वर की प्रतिमा पर वह श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार आने के बाद पिछले 4 सालों में नेताओं की हेट स्पीच और विभाजनकारी भाषा के प्रयोग में 500% की बढ़ोतरी आई है। उन्नाव गैंगरेप के मामले के बीच उन्नाव में एक और नाबालिग के साथ बलात्कार की खबर आई है। 13 साल की नाबालिग के साथ उसके ही एक रिश्तेदार ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में नया अध्यक्ष बनाया है। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह का नाम अध्यक्ष पद के लिए तय किया गया है। मध्य प्रदेश के सिद्धी जिले में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ है। बारातियों से भरा एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर सोन नदी में जा गिरा। इस हादसे में 21 बारातियों की मौत हो गई है और 20 से ज्यादा घायल हो गए हैं। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। अक्षय तृतीया पर आयुष्मान और सिद्धि योग बन रहे हैं। 141 साल बाद बने इस शुभ संयोग का सीधा फायदा 9 राशियों को मिलेगा, जिसमें मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बुधवार शुभ रहेगा। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के एक महिला पत्रकार के सवाल पर उसके गाल थपथपाने से विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी पार्टी डीएमके ने इस घटना को अशोभनीय हरकत करार दिया है। आईपीएल 11 के कल देर रात खेले गए मैच में मौजूदा विजेता मुंबई इंडियंस ने आखिरकार इस सीजन की पहली जीत हासिल करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 46 रन से हरा दिया।